आइए आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक लड़की लाया हाथ पैर बांध के। उसकी उम्र थी करीब करीब 20 साल की। बांध के इसलिए लाया कि वो बार बार सुसाइड के लिए दौड़ रही थी। कभी रेल पटरी के नीचे या कुएं की तरफ जा रही या फिर फांसी लेने की कोशिश कर रही। ऐसा कुछ ना कुछ वो हरकतें कर रही है कि मुझे मरने दो, मुझे अभी मरने का है। जब माँ बाप को पूछा कि भाई इसको बांध क्यों लिया भाई इतना क्यों, बोले वो अनकंट्रोल्ड है। वो मतलब शी इज नॉट इन टच विद रियलिटी, उसको वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बोला हुआ क्या? बोले ये पिछले 6 महीने से एक लड़के के प्यार में है, इंटरकास्ट है, अलग कास्ट का लड़का है। लड़का कुछ काम करता नहीं है। हमारी लड़की बी के फर्स्ट ईयर में है। वो कहाँ मिला उसको पता नहीं। वो ऐसे भंटोल टाइप का लड़का है और उसके इतने प्यार में है कि वो बोलती मैं इसके साथ में शादी कर लेती हूँ, अब मेरे को शादी करना है। वो लड़का भी तैयार था मगर लड़के के घर से उसको मना कर दिया कि नहीं भाई अपने को कास्ट छोड़ के शादी करनी नहीं है। और उन्होंने फिर जब मालूम पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा इनका अफेयर चालू है और एक शादी के मतलब कभी भी भग सकते हैं, तो घर वालों ने लड़के की क्या किया कि कुछ दिन पहले उसकी शादी एक लड़की के साथ में कर दिया उसके कास्ट की। जब जैसे इसको मालूम हुआ कि उसकी शादी पक्की हो गई और भी शादी, तब से ये पागल जैसी कर रही है। ये उसके पास में जा रही, उसके घर के बाहर जाके बैठ जाती है कि मेरे से शादी कर ले, कुछ भी कर, उसको मेरे को एक बार देखने दो, उसको उससे बात करने दो, मतलब जो भी इतनी हरकतें किया। मतलब वहाँ वो जो लड़की जिसके साथ में शादी पक्की हुई थी उसके साथ में जाके उसने झंझटे की, झगड़ा किया कि तू कैसी शादी कर सकते, मेरा प्यार है। और फिर तभी भी वो लड़के ने वो शादी कर ली, रजिस्टर्ड मैरिज हो गया। अभी रजिस्टर्ड मैरिज होने के बाद में बोलती नहीं तू अभी डिवोर्स ले रहे और डिवोर्स लेके मेरे से शादी कर ले, मतलब वो मानने को तैयार नहीं। लड़का बोलता कि ठीक है अभी मैं मेरे पत्नी को पूछता हूँ कि वो डिवोर्स देने को तैयार है क्या, उसने डिवोर्स दिया तो मैं डिवोर्स लेके तेरे साथ में शादी करूँगा। मगर ये तो असंभव है, वो झगड़ा कर लेती है वो लड़की के साथ में, नए पत्नी के साथ में जाके, मतलब पत्नी के साथ में जाके झगड़ा कर लेती है और फिर ये धूमधाम करती है। और जब उसको मालूम पड़ा कि अभी ये लड़का कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है या अभी लड़का ये आने वाला नहीं है वापस, तो फिर वो दौड़ दौड़ के जा रही है अभी रेल के नीचे मरने के लिए। और उसको मतलब खाना बंद कर दिया, उसने खाना पीना नहीं है पिछले 3-4 दिन से, मतलब जब लाया तब 3-4 दिन से खाना पीना नहीं था, बिल्कुल ऐसी हालत ख़राब हो गई थी। और बोले मुझे मरने का है अभी, मुझे जीने में मतलब नहीं, तो शादी उससे करवाओ या मेरे को भी मरने का है। और वो मरने के लिए दौड़ रही है। तो इसका जो ये था, ये डिप्रेशन हुआ था, मतलब एक्यूट रिएक्टिव साइकोसिस टाइप ये था और साइकोटिक है, उसको रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, इनसाइट नहीं है। जो उसको मालूम है कि अभी वो लड़का शादी करने वाला है नहीं है, तभी भी वो जाके बोलती कि नहीं अभी मेरे को शादी करने दो, उसको डिवोर्स देने दो या मेरे से शादी करवाओ। घर के लोग बोलते हैं हाँ वो तैयार है तो हम भी शादी करवा देने को तैयार है, मगर वो लड़का ही तैयार नहीं अभी आज। फिर उसको लड़के को घर में बुलाया, उसके साथ में बातचीत करवाया, उसको समझा दे कि ठीक है अभी तू ऐसा कर, मुझे भी एक 15 दिन का टाइम दे, मैं मेरे अभी पत्नी को पटाता हूँ, उसको बताता हूँ कि अभी तू डिवोर्स ले रहे ले ले और मैं फिर तेरे यहाँ शादी, मतलब ऐसा उसने उसको थोड़ा सा समझौता किया, थोड़ा सा उसको मतलब जैसा समझ में आ गया वैसा उसको बता दिया। कुछ फ़ायदा नहीं, बोलती नहीं अभी के अभी करो, आज से आज करो, धूमधाम कर रही है। उसको पकड़ के लाए, फिर हमने उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसको रिस्ट्रेन किया, बार बार भाग रहे थे, उसको सेडेटिव्स दिया, फिर बाद में उसको छोड़ दिया। बातचीत करो तो वो बातचीत करने को तैयार नहीं, मतलब काउंसलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं आता। वो बोलती कि नहीं मेरे को जाने दो, मेरे को मरने का है बस। फिर हमने उसको एंटीसाइकोटिक दिया, एंटी डिप्रेशंस दिए, उसको इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी शॉक ट्रीटमेंट दिया उसको। जब उसको करंट दिए, शॉक ट्रीटमेंट दिया, तो शॉक ट्रीटमेंट हमने एक दिन आड़ उसको 6 ECTs जब लगवाए तो उसमें फ़र्क आने लगा। फिर वो बोलने लगे कि ठीक है मुझे अभी समझ में आ रहा है कि इसमें कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं मतलब हकना ऐसा कुछ बलते ही कर रहे हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है, होने वाला है नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है तभी मैं अच्छा रहने को तैयार हूँ। मतलब वो जब उसको समझ में आने लगा कि अभी वास्तविकता क्या है। अभी इस समय होता क्या है कि ये अभी अपने को फंसाने वाला हो सकता है। फंसाने वाला इसलिए हो सकता है कि डॉक्टर के या पेरेंट्स के समझाने के लिए, समझने के लिए उनको सामने से बोल सकती है कि ठीक है आप जैसा बोलते वैसा मैं करती हूँ, और अंदरून कुछ ना कुछ अपना ही उल्लू सीधा कर लेगी, फिर सुसाइड के लिए दौड़ेंगी या सुसाइड कर लेगी। इसलिए मैंने उनको बताया कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, ऐसा नहीं है कि अभी अच्छा बोल रही मतलब वो सही है करके, और विल सी। हुआ ऐसे ही कि 3 दिन बाद में फिर से वो चालू हो गया कि नहीं मेरे को तो वही करना है,
फिर उसको हमने और शॉक ट्रीटमेंट दिया। 8 जब हो गए तो उसके बाद में उसको मतलब अभी ठीक दिखाई दिया, फर्क दिखाई दिया कंसिडरेबल, कि अभी वो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी ड्रामा नहीं कर रही, अभी वो सचमुच बोल रही है और वो अभी ठीक होने लगी है। अब वो बोल रही है कि मेरे को विचार आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मगर अभी मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मैं भी जीने को तैयार हूँ, अभी मैं जी लूँगी, देखूँगी अभी मैं क्या संभव है मेरे लिए। तो मतलब वो टच विथ रियलिटी आ गई, वास्तविकता से उसका संबंध अच्छा हो गया और वो अच्छी हो गई। तभी भी ये अच्छी हुई ऐसा हम बोल सकते नहीं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, ऐसा मैंने पेरेंट्स को बोला, अंडर ऑब्जर्वेशन मेरे पास में एक दिन आप लेके आ जाओ, हम काउंसिलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। उसको फॉलोअप अच्छा हमने खासा दिया, 1 महीने बाद में तो वो पूरी ठीक हो गई और अपना जीवन बिताने के लिए वो तैयार थी, कॉलेज ज्वाइन करती, बोले अभी मैं और मैं नया जीवन शुरू कर देती है। तो ये संभव है इस तरह का इलाज, मगर लोग कितने प्यार में अंधे हो जाते हैं और उसका कितना असर हो जाता है और माँ बाप उसके तरफ देखते ही नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता उनको। जब एक दिन ऐसा बम फूट जाता है उस दिन उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा हो गया। तो माँ बाप ने कभी ऐसा किया है क्या कि लड़की का मोबाइल छीन लेके उसका जो कोडवर्ड है या लॉक किया है वो लॉक निकाल के देखा क्या, किसके व्हाट्सएप आ रहे, किसके साथ में उसने बातचीत किया, क्या किया, कभी देखते नहीं माँ बाप। माँ बाप का ये फ़र्ज है कि चालू क्या है, ये स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है तो बराबर जा रही कि नहीं जा रही, कॉलेज में चेक कर रहे कि नहीं कर रहे जाके माँ बाप, कि नहीं कॉलेज में पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे, उसको ट्रैक करना जरूरी है। इसके पास में हमने 100 रुपये चार्जिंग को दिए थे, मोबाइल चार्जिंग के लिए 100 रुपये दिए थे, इसके पर्स में 500 कहाँ से आए, क्या लड़के लोग दे रहे उसको पैसे, हम सभी दे रहे, उसके पर्स में 500 कैसे। मतलब माँ बाप जब ऐसे सजग रहेंगे तब ऐसी नौबत आएंगी नहीं और ये जगह पर ही उसका सामना हम कर सकते जब वो शुरुआत हो जाती है। तो अभी इतना ही है, आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।